एवरीवन, माय नेम इज दत्ता। वेलकम टू माय चैनल डेली इंटरेस्टिंग। आज हम बनाएंगे मैदा और मेथी के शक्कर पारे, जो कोई भी फेस्टिवल में आप बना सकते हैं। अभी हम होली के लिए बना रहे हैं, आप दीपावली कोई भी फेस्टिवल के लिए बना सकते हैं, और वैसे भी डेली में खाने के लिए ये शक्कर पारे बना सकते हैं। बच्चों के खाने के लिए बहुत ही हेल्दी होती है, मेथी डाल के बहुत अच्छे बनते हैं। तो मेथी और मैदा के शक्कर पारे बनाने के लिए हमने ये मेथी ली है, और इस मेथी को पहले वॉश नहीं करेंगे, पहले इसको छोटा छोटा तोड़ेंगे। पूरा डंडल वंडल कुछ नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ऊपर का पार्ट लेना है, ये लाइक दिस, इस तरीके का पार्ट लेना है ऊपर का, बस इतना ही लेना है। और इसी को हम इसमें से 200 ग्राम के समथिंग तोड़ के निकालेंगे। बस लीफ ही लीफ लेना है, डंडल बिल्कुल नहीं लेना है। इससे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी शक्कर पारे बन के तैयार होते हैं, मेथी के और मैदा के बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और बच्चे अच्छे से खाते हैं। तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। वैसे तो कई तरीके से बनते हैं, बट आज हम इस तरीके से बना रहे हैं। तो इसमें से लेंगे, और ये 500 ग्राम, इसमें से 200 ग्राम मेथी लेंगे, ओनली लीफ लीफ तोड़ के लेंगे, डंड इसका जो स्टिक है वो नहीं लेंगे। और ये 500 ग्राम मैदा है, और ये बटर जितना नीड होगा उतना यूज करेंगे। पहले मेथी को मिलाएंगे, बारीक काट के डालेंगे, पीसना नहीं है, बिल्कुल चॉप करके एकदम बारीक चॉप करना है, और फिर डालेंगे चॉप करके। और ये बटर है, जितना नीड होगा उतना बटर लेंगे। थोड़ी सी अजवाइन ली है, अजवाइन से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि हम इनको नमकीन बना रहे हैं। और ये थोड़ा सा हींग है, 1 पिंच हींग है, और ये 1 टीस्पून सॉल्ट है, और ये घी है, 50 ml घी है। तो हम पहले इसको, इसका डंठल ये तोड़ लेते हैं, जो स्टिक लगी हुई है इसमें, इनको तोड़ लेते हैं। ओनली लीफ लीफ निकालेंगे, इतना ये निकालेंगे, और इससे बहुत ही अच्छी लगती है। सो इनका ये निकाल लेते हैं। मेथी को तोड़ लिया है, आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आपको तोड़ना है, सॉफ्ट सॉफ्ट पार्ट तोड़ना है, और इसका डंठल नहीं लेना है। अब क्या करेंगे, इसको बारीक, बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे, एकदम बारीक से चॉप करना है, जिससे आपके शक्कर पारे अच्छे लगे। सो काट लेते हैं इसको बारीक, इसको बारीक चॉप कर लिया है, चॉप कर लिया है, आप देख सकते हैं एकदम बारीक से चॉप किया है। इसी तरीके से आपको चॉप करना है बारीक, और आप इसको मिला लेते हैं। हमने मैदा ले लिया है, 500 ग्राम मैदा है, इसमें घी डालेंगे, ये 50 ml घी लिया है। इस घी डालने से क्या है ना, एकदम खस्ता बनेगी और अच्छी भी लगेंगी खाने में। और घी को मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो निकलता है उसमें, हो जाता है कढ़ाई में, हो जाता है, और अच्छे से मिलता है, गुनता है तो अच्छे से मिल जाता है। तो इसको अच्छे से पूरा घी डाल के, और इस तरीके से हैंड से अच्छे से मिलाएंगे बढ़िया, फिर मेथी डालेंगे उसके बाद। पहले घी को अच्छे से मिलाएंगे, और इसी में डालेंगे ये सॉल्ट, जिससे साथ में ही मिल जाएगा, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट डाल देंगे। हींग भी डाल देंगे, ये हींग ली है, ये भी डाल देते हैं, और ये अजवाइन ली है, इसको भी डाल देते हैं, और घी के साथ सारा अच्छे से मिला लेंगे हैंड की हेल्प से, लाइक दिस, पूरा मसल मसल के पूरा घी डाल के इसको इसी तरीके से मिलाएंगे। इसको अच्छे से मिला लिया है, और ये देखो अच्छे से लड्डू सा बन रहा है, और अच्छे से मिला लिया। अब डालते हैं मेथी, जो मेथी ली थी चौकी हुई, इस मेथी को डाल देते हैं। ये देखो कितना ग्रीन ग्रीन, और ये आपका, ये नहीं कि फेस्टिवल में, आप कभी भी बना सकते हैं, और बना के थोड़ा सा जैसे 20 डेज के लिए बनाइए, ज़्यादा टाइम मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग टाइम तक थोड़ा थोड़ा बनाते रहो, और बच्चे खाते हैं और आप लोग सब खाते हैं, तो इसी तरीके से भी बना सकते हैं आप शक्कर पारे। अब हम डाल लेते हैं इसमें मेथी, और इसको अच्छे से पूरे में इस तरीके से मिलाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा करके इसको डो बनाएंगे। इसका थोड़ा थोड़ा बटर डालेंगे, बहुत ज़्यादा बटर नहीं डालेंगे, नहीं गीला हो जाएगा। आपको अपन को इसको सख्त, इसका डो लगाना है, मतलब टाइट, ज़्यादा लूज नहीं लगाना है, और टाइट ही डो लगाएंगे तो अच्छा बनेगी, क्रिस्पी क्रिस्पी सी बनेगी, सॉफ्ट। हमने मेथी को मैदे में अच्छे से मिला लिया है, अच्छे से मिल गया है। वैसे तो सूखी के मेथी के भी शक्कर पारे बनते हैं, बट अभी फ्रेश मिल रही है, तो फ्रेश मेथी के बनाए ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और फ्रेश तो फ्रेश ही होती है, वैसे तो ड्राई के भी बनते हैं। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा बटर करके डाल के इसको, इसका डो बना लेते हैं, टाइट सा डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा बटर डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ही बटर डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के इसको अच्छे से, आराम आराम से अच्छे से गूंदेंगे। एकदम चिकना नहीं करना है अपन को इसको, एकदम कि आपको एकदम स्मूथ सा बनाना है, स्मूथ सा नहीं बनाएंगे। और आपको इसी तरीके से बटर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डो बना लिया है, और इसी तरीके से डो बनाना है, एकदम स्मूथ सा नहीं करना है आपका, ऐसा डो, ऐसा ही डो दिखना चाहिए।
तभी आपकी अच्छे से खस्ता सी बनेंगी, शकरपारे खस्ता बनेंगे। इसी तरीके से बनाना है और स्मूथ नहीं करेंगे। अब इसको जस्ट 15 या 20 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे। थोड़ा सा ऊपर से घी लगाएंगे, ऑयल भी लगा सकते हैं और आप घी भी डाल सकते हैं और ऑयल भी डाल सकते हैं। मैंने इनमें आज घी डाला है, वैसे घी से ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं। सो इसमें ऑयल लगा देते हैं, सॉरी घी लगा देते हैं। घी लगा के इसको 20 मिनट के लिए कवर करके रखते हैं, जिससे अच्छा सा ये फूल सा जाए। सो इसको कवर कर देते हैं 20 मिनट आफ्टर, फिर बनाएंगे। देखो रखे हुए 20 मिनट हो गए, ये अच्छा हो गया है, सॉफ्ट फूल सा गया, आप देख सकते हैं कितना अच्छा। और अब बनाएंगे इसका रोल, एक रोल बनाएंगे और इसको एक बार रोल बनाते हुए लाइक दिस। और इसके लिए लेंगे फिर एक ये लिया है, एक रोलिंग बोर्ड लिया है और इससे बेलन की हेल्प से इसको बेलेंगे। तो पहले इसका एक लंबा सा रोल बनाएंगे और एक बड़ा बड़ा, फिर इसमें से पेड़ा बनाएंगे, बड़े बड़े पेड़े बनाएंगे जिससे अच्छे से बनेंगे, क्योंकि छोटा छोटा नहीं, छोटे से नहीं बनता, बड़ा बड़ा काट के बना के फिर बड़ा सा सर्कल बनाना है। तो ये बन गया बड़ा सा रोल, और बड़ा सा रोल को अब अच्छे से इसको नाइफ से काटेंगे, बड़ा बड़ा लाइक दिस। एक कलर लग गया, इतना इतना काटेंगे इसको लाइक दिस, इतना इतना बड़ा बड़ा काटेंगे इसी तरीके से। और ये काटा अदर वन, ये देखो इसी तरीके से इसी साइज की हमको काटना है लाइक दिस। इतने आटे में 6 पेड़े बने हैं और इनको निकाल लेते हैं प्लेट में और इस तरीके से निकाल लेंगे। और 6 पेड़े का फिर ऐसे बनाएंगे, थोड़ा सा लाइक दिस इजी बन जाता है काटने से। और फिर इनको सर्कल शेप में बेलेंगे बेलन की हेल्प से, इस तरीके से बेलना है और मोटा ही रखना है इसका, इसको पतला नहीं करेंगे लाइक दिस। इसी तरीके से सर्कल शेप में हम बेलेंगे। और नहीं आप उस स्क्वायर शेप में भी बेल सकते हैं, कोई भी शेप में। तो इस तरीके से बेलेंगे, इसको बेल लिया है और इसको मोटा ही बेलेंगे, इतना मोटा बेलेंगे इतना, तभी अच्छे क्रिस्पी और लेयर बनेंगी, एकदम पतले में लेयर नहीं बनती। तो इतना मोटा रखेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, मीडियम है और पतला भी नहीं है। इस तरीके से आप इसको काटेंगे, तो इसको नाइफ की हेल्प से काटेंगे, आप किसी से भी काटें जिससे आप काटना चाहें। तो इसको थोड़ा बड़ा बड़ा ही काटेंगे लाइक दिस, इस तरीके से ऐसे आराम से काटेंगे और पहले पूरा लंबाई में काट लेंगे लाइक दिस। इस तरीके से दबाना है आराम से नाइफ को, इस तरीके से सारे काट लेते हैं। तो ये कट गया है और अब इस तरफ से भी काट लेंगे ऐसे, ये देखो एक ही बार में ऐसे कट जाएगा। इसको इसी तरीके से हम पूरा काट लेंगे और ये हमने काट लिया है और साइड का ये छोटा छोटा पीस है इनको हटा लेंगे। और हमने इनको लंबा लंबा काटा है, आप कोई भी शेप में काटा, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड डायमंड, किसी भी शेप में काटे। तो इस साइड से निकाल लिया है, अब इसको उठा लेते हैं और प्लेट में रख लेंगे। एक एक से उठा के प्लेट में रख देंगे अच्छे से और इसी तरीके से पूरे पूरे शकरपारे बना लेते हैं। और इसी तरीके से बनाना है और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। और नाइफ से आप किसी से भी काट सकते हैं, नाइफ और या कोई भी हो, स्पैचुला से भी कट जाते हैं। तो आपको इसी तरीके से वन बाय वन रखना है। पहले पेड़े के बन गए, अब हम दूसरे पेड़े के बनाएंगे। पहले हमने सर्कल शेप में बनाए हैं, अब हम स्क्वायर शेप में बनाएंगे और लंबा सा बनाएंगे, बढ़िया इस तरीके से बनाना है। और जिससे अच्छे से बनेंगे तो इसको रेक्टेंगल शेप में बनाएंगे लाइक दिस, और जिससे जल्दी से बन जाएंगे और अच्छे बनेंगे। हमने इसको लंबे में काट लिया है, अब ऐसे काटेंगे, मीडियम साइज का बनाएंगे इसी तरीके से, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, मीडियम साइज का ही बनाना है। और नाइफ की हेल्प से इस लाइक दिस, कट गया है उनको। और दूसरा भी इसी तरीके से काटेंगे और काट लिया है, निकाल लेते हैं वन बाय वन, एक एक से रखना है, इकट्ठा नहीं रखना है, नहीं लड्डू बन जाएंगे।
पूरी शक्कर पारे बना लिए हैं और ये देखिए दो प्लेट्स में आए। अब इनको निकाल लेते हैं। इधर हमने कढ़ाई भी चढ़ा दी है और ऑयल भी हो गया है। ऑयल पहले अच्छे से कर लिया है, फिर थोड़ा सा ठंडा किया है, क्योंकि ये अगर आपने ज़्यादा हाई कर लिया पहले ही, हाई तो करेंगे बट फिर नॉर्मल करेंगे, क्योंकि हाई कर लेंगे फिर क्या ना ये अंदर से पकेंगे नहीं और ये कच्चे कच्चे रहेंगे, इसलिए हम इसको फ्लेम को कर देंगे एकदम लो। और ये थोड़ा नॉर्मल सा भी हो गया। अब इसमें ये जो बनाए थे शक्कर पारे ये डाल देते हैं। सो आराम आराम से डालेंगे बट फ्लेम को एकदम लो कर देंगे, नहीं ये फूले फूले से हो जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं और कच्चे कच्चे लगेंगे। इनको हम क्रिस्पी करना है तो इनको फ्लेम को लो रखना है आपको। तो बिल्कुल फ्लेम को लो रखा है मैंने, एकदम ठंडा सा है, एकदम गर्म नहीं है बहुत ज़्यादा। तो इसी तरीके से हमने जितनी इस ऑयल में आए उतने हमने शक्कर पारे डाल दिए हैं और ये जस्ट 3 बैच में निकलेंगे। अभी हमें फर्स्ट बैच डाल दिया है और फ्लेम को एकदम लो रखना है, हाई नहीं रखना है। और जब तक ये ऊपर नहीं आ जाए तब तक इनको टच नहीं करना है। आप देख सकते हैं ऊपर आ रहे हैं और ये आराम आराम से सारे ऊपर आ जाएंगे, तब थोड़ा स्पून या फॉक की हेल्प से थोड़ा सा हिलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, और इनको ऊपर आने का वेट करेंगे और फ्लेम को रखेंगे एकदम लो, तभी ये क्रिस्पी और बढ़िया खस्ता से बनेंगे लेयर वाले। और अभी ऊपर आ गए हैं और इनको थोड़ा सा फॉक की हेल्प से इधर उधर करेंगे थोड़ा सा, जिससे इक्वली सिके, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा हिला देंगे इक्वल सेकने के लिए बस, और फ्लेम को लो ही रखना है। और ये अच्छे से सेक गई हैं, इनको सेकने में लो फ्लेम पर 20 मिनट लग गया है और ये फर्स्ट बैच अच्छे से सेक गया है। ये देखो आप सुन सकते हैं क्रिस्पी क्रिस्पी एकदम अच्छे से अंदर तक पक गई हैं। और अब इनको निकाल लेते हैं। ये अच्छे से सेक गई हैं और इनको 20 मिनट लग गया है लो फ्लेम पर, और इसी तरीके से ये देखो क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छे से सेक गई हैं। अब इनको पूरा निकाल लेते हैं, इस तरीके से पूरा निकाल देंगे और इधर रख देंगे जिससे ऑयल एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा, और फिर डालेंगे। देखो कितना अच्छा कलर आया है और बहुत देखो आवाज़ सुन सकते हैं आप, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बनी है और कितना अच्छी सॉफ्ट एंड लेयर वाली बनी है। ये देखिए लेयर वाली बनी है। और आप सेकंड बैच डाल देते हैं, तो सेकंड बैच को भी इसी तरीके से डालेंगे पूरा, और फ्लेम को रखना है लो, हाई नहीं रखेंगे, जिससे अंदर तक अच्छे से सिके। और ये बहुत ही हेल्दी होती है, और अगर आप बच्चे बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें चिली डाल सकते हैं, ब्लैक पेपर एंड गर्म मसाला एंड रेड चिली भी डाल सकते हैं, बट ब्लैक पेपर डालें तो ज़्यादा अच्छा है। काली मिर्ची का पाउडर क्रश करके या पाउडर जो ऐसा आपको पसंद हो वैसा आप डाल सकते हैं, बट बेस्ट है कि आप काली मिर्ची का पाउडर डालें। ये मैंने बच्चों के लिए बनाई है तो मैंने कुछ नहीं डाला, मैंने ओनली सॉल्ट और मेथी डाली है, और ये बहुत ही हेल्दी होती है, बच्चों के लिए इसी तरीके से बना सकते हैं। मेथी की फ्रेश मेथी की बहुत ही अच्छी लगती है। तो पूरा सेकेंड बैच भी इसी तरीके से निकाल लेंगे और फ्लेम को लो ही रखना है, हाई नहीं रखेंगे। और हमारा सेकंड बैच भी अच्छे से फ्राई हो गया, इसको भी निकाल लेते हैं। देखो ये डबल साइज की हो गई हैं, ये देखो कितना थिन थिन काटी थी, और ये देखो कैसी दिख रही है, और ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी सीखी। और इसको भी निकाल लेते हैं सेकंड बैच, और इसको भी जस्ट फ्राई करने में 20 मिनट लगा है आपको, इसी तरीके से पूरी निकाल लेंगे और क्रिस्पी बनती है। आपको टाइम देना है और फ्लेम को मीडियम ही रखना है, सॉरी लो रखना है। और ये देखो एकदम आवाज़ सुन सकते हैं आप, ये देखो क्रिस्पी की आवाज़ आ रही है। और बस इसी तरीके से हम सारी मटरी फ्राई करेंगे। हम शक्कर पारे पूरे निकाल लिए हैं, फ्राई कर लिए हैं, और आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। देखो आपको साउंड भी आ रहा होगा, लुक आप सुन सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और एंड अंदर से भी बहुत अच्छे से, कलर भी बहुत अच्छा है और हेल्दी भी है। और आपको तोड़ के बताते हैं, ये अंदर तक अच्छे से सेके हैं लोग, हेयर ये देखो क्रस क्रस का आवाज़ आ रहा है आपको, क्रिस्पी क्रिस्पी लोग अंदर तक सेके हैं बहुत अच्छे से, कितना ज़्यादा लेयर है। और आप इसी तरीके से अपने बच्चे के लिए भी, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए जो भी है, बहुत ही हेल्दी होते हैं, टी के साथ बनाइए शक्कर पारे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं शक्कर पारे। ठीक है, क्रिस्पी से शक्कर पारे तैयार है, इनको आप कभी भी बनाइए, कोई भी फेस्टिवल में बनाइए,
और किसी भी सीजन में बना सकते हैं और ये हेल्दी होते हैं क्योंकि ये मेथी से बने, बच्चे अच्छे से खाते हैं, बड़े सब लोग अच्छे से खाते हैं, टी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और ये अगर आपको शक्कर पारे वाली रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू द नेक्स्ट रेसिपी।